हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर कविता चौहान फ्रॉम प्रेरणा कोचिंग एकेडमी। चिल्ड्रन, येस्टरडे आई स्टार्टेड विद फ्लैश कार्ड रिवीजन सीरीज एंड टुडे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नेम ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड कंट्रीज वेयर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हैपेंड और टुक प्लेस सिंस इंडिपेंडेंस इन आवर कंट्री एंड सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एट वर्ल्ड लेवल। तो ये है डे टू। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने डिस्कस किया था लीडर्स के नेम्स को जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में, या आप कह सकते हो इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसमें इंडिपेंडेंस के बाद। एक आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टूडे नेम ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड द कंट्रीज। So let's start with this. First question which I am going to discuss is, name two princely states of India which initially resisted to join the Indian Union. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था सो कौन सी दो प्रिंसली स्टेट्स थी इनिशियली जिन्होंने इंडिया में मर्ज होने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ पे आप फोर स्टेट्स के नेम्स आपकी बुक में मेंशन है, आप कोई दो लिख सकते हो एंड द आंसर इज जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। एनी टू यू कैन राइट। नेम टू प्रोविंसेस विच वर डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पंजाब एंड बंगाल। नेम द ओरिजिनल स्टेट्स फ्रॉम विच मेघालय एंड गुजरात वर कार्व्ड आउट। सो मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम एंड गुजरात वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे स्टेट। नेम द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस फेस्ड डिफीट इन मार्च 1957 असेंबली इलेक्शंस। कौन सी स्टेट थी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शंस में 1957 में हार हुई थी कांग्रेस की एंड द आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू स्टेट्स वेयर स्टूडेंट स्टार्टेड एजिटेशंस अगेंस्ट द राइजिंग फूड प्राइसेस इन 1974। कौन सी दो स्टेट्स थी इंडिया की जहां पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किए थे फूड प्राइस जो राइज हो गए थे उनके खिलाफ 1974 में एंड द आंसर इज बिहार एंड गुजरात। नेम द स्टेट वेयर नक्सलबारी अपराइजिंग टुक प्लेस इन 1967। नक्सलबारी अपराइजिंग हुई थी दार्जिलिंग में, एक दार्जिलिंग रीजन का जो पुलिस स्टेशन था वहां पे, और स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। नेम टू सिटीज विच बिकेम कम्युनल जोन्स ड्यूरिंग पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे दो सिटीज थी जो कम्युनल जोन बनी एंड द आंसर इज कोलकाता एंड अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओरिजिनल स्टेट्स फ्रॉम विच हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ वर कार्व्ड आउट। सो चिल्ड्रन, हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब एंड छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिटीज on which nuclear bombs were dropped in 1945 and the answer is Hiroshima and Nagasaki. Next question, name the place where first non-aligned summit was held. Pehla non-aligned summit kahan pe hua tha? Belgrade mein hua tha. Question number 12, name the place where the 14th non-aligned summit was held and the answer is Havana. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू रीजन्स और द एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। ऐसे कौन से एरियाज थे जहां पे कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रही एंड द आंसर इज कॉन्गो, कोरिया, वियतनाम। आप कोई भी तीन में से कोई भी दो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, नेम थ्री सोवियत रिपब्लिक्स विच डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1991। कौन से तीन सोवियत रिपब्लिक्स थे जिन्होंने अनाउंस किया 1991 में दैट सोवियत यूनियन वॉज डिस्पेंडेड एंड द आंसर इज रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द सोवियत रिपब्लिक विच वॉज कंसिडर्ड एज सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रशिया। क्वेश्चन नंबर 16, नेम टू रिपब्लिक्स ऑफ रशिया वेयर सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हैपेंड। सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया में कौन से ऐसे दो रिपब्लिक्स थे जहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुई एंड द आंसर इज चेचन्या एंड दागेस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द कंट्री विच विटनेस्ड सिविल वॉर टिल 2001। सेंट्रल एशिया की कौन सी कंट्री थी जहां पे 2001 तक सिविल वॉर रही
और इसका आंसर है तजिकिस्तान. नेम द कंट्री फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप विच स्प्लिट पीसफुली इन 1991. जब कम्युनिस्ट रेजिम्स ब्रेक डाउन हो रहे थे तो कौन सी कंट्री थी ईस्टर्न यूरोप की 1991 में जहां पे स्प्लिट हुआ लेकिन पीसफुल तरीके से, और इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया. क्वेश्चन नंबर 19. नेम वन यूरोपियन यूनियन मेंबर विच होल्ड्स परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल. यूरोपियन यूनियन मेंबर कौन सी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है, एंड द आंसर इज फ्रांस. लास्ट क्वेश्चन, नेम टू कंट्रीज विच रजिस्टर्ड द मैस्ट्रिश्ट ट्रीटी, एंड द आंसर इज डेनमार्क एंड स्वीडन. आई होप यू एंजॉय द क्लास चिल्ड्रन. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई एम श्योर इफ यू डू ऑल दीज क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ऑल्सो लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो by pressing the like button. Thank you so much. Thanks for watching.